जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन ट्यूटर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सरकार के अंग के बारे में। देखिए, मेरे पीछे वाले वीडियो में आईपीसी के धारा और सीआरपीसी के धारा में अंतर बताया, उसके साथ ही मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि लोकतंत्र में कितने स्तंभ होते हैं। तो आज का वीडियो मैं चर्चा करूंगा कि सरकार के अंग कितने होते हैं और सरकार करती क्या है, कौन कौन से सरकारें होती हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। तो आओ स्टूडेंट, हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहला तो स्टूडेंट ये मेरा सवाल रहेगा कि सरकार करते किस में। तो सरकार उसे करते हैं जो देश या फिर राज्य की इच्छाओं को पूर्ति करता है। यानी समझो, जो देश या फिर जो राज्य की इच्छाओं को पूर्ति करता है उसी को सरकार कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सरकार किसे कहते हैं, तो बताइएगा जो देश या फिर जो राज्य की इच्छाओं को पूर्ति करे उसी को कहते हैं हम लोग सरकार। आइए सरकार के अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमें लिखा हुआ पहले से कि सरकार के दो अंग होते हैं, एक तो हमारा हो गया केंद्र सरकार और एक हमारा होता है राज्य सरकार। ये दो सरकारें हैं, एक जो कि सेंट्रल में होती है और एक जो कि प्रत्येक राज्य में होती है। आगे आ जाओ, केंद्र सरकार में हमारा तीन चरण होता है। जैसे मान सकते हैं, एक होता है कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में एक्सिक्यूटिव बोलते हैं। अगले वीडियो में मैंने बताया था, नहीं देखो तो जाकर देख लो। दूसरा हमारा होता है विधायिका, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव या फिर लेजिस्लेचर बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है न्यायपालिका, और जिसे हम लोग इंग्लिश में जुडिशरी बोलते हैं। अब बात यहाँ पे आती है स्टूडेंट, क्या फिर ये सब होते क्या हमें। तो कार्यपालिका उसे कहते हैं जो कि हमारे कानून को लागू कराती है, और विधायिका उसको कहते हैं जो कि हमारा कानून बनाता है। यहाँ पे आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी होता है किसी स्तंभ में, तो उसको या फिर कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर देता है तो उसको दंड दिया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं जहाँ पे दंड दिया जाता है, या फिर जहाँ पे कह सकते हैं कि किसी को सजा हो या फिर बेगुनाही साबित हो, तो उसको कहते हैं हम लोग न्यायपालिका या फिर जुडिशरी। अब बात आती है इसमें लोग होते क्या। तो देखिए, पहले यहाँ पे संसद होता है। संसद में देखिए दो संसद होते हैं, एक हमारा होता है लोकसभा, एक हमारा होता है राज्यसभा। देखिए, लोकसभा को हम लोग निम्न सभा भी कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सभा कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि लोकसभा में कह सकते हैं सांसद दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा हो जाता है लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को हम लोग निम्न सभा कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग कह सकते हैं उच्च सभा कहते हैं। अब देखिए, संसद में इसमें होते कौन कौन है। तो पहला प्रेसिडेंट आ जाएंगे, दूसरा डिप्टी प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तीसरा पीएम आ जाएंगे, मंत्रिमंडल आ जाएगा और मंत्रिपरिषद आ जाएगा। हमने आपको अगले ही वीडियो में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होती क्या है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका है। अब बात आती है हमारे राज्य की। अभी तो ये हमने बोला था कैबिनेट के बारे में। राज्य में आते हैं तो यहाँ भी होती है कार्यपालिका, यहाँ भी होता है विधायिका, यहाँ भी होता है न्यायपालिका। अब लेकिन एक चीज है, यहाँ पे जिस तरीके से संसद आता, देखिए संसद में बैठने वाले को कहा जाता है, हम लोग कहते हैं सांसद। सॉरी, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, सांसद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर आते हैं तो बात करते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारा विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल के बारे में देखिए क्या होता है, एक हमारा हो गया विधानमंडल, विधानमंडल में जिसको हम लोग कह सकते हैं विधानसभा, और एक हमारा होता है विधान परिषद। अब देखिए, इसमें वाले को क्या कहते हैं, तो इसमें विधायक कहते हैं, ठीक है। तीन ही होती है, लेकिन मेरे जहां तक अंदाजा है तीन नहीं होती है, बल्कि हम उसको चार कहेंगे। अब देखिए, कहेंगे कि चार कैसे, तो एक गांव में ग्रामीण या कह सकते हैं न्याय होता है, जिसको सरपंच वगैरह कहते हैं करते हैं, मतलब तो उसमें जो जज होंगे वो सरपंच लोग होंगे। तो आइए देख लेते हैं कि न्यायपालिका हमने कहा है चार तरह से होती है, तो फिर होती कौन कौन सी। तो देखिए, पहला हमारा हो गया सर्वोच्च न्यायालय। अब इसकी बात करें तो ये सबसे हेड होता है, यानी अगर कोर्ट की बात करें तो सबसे हेड कोर्ट माना जाता है, बड़ा कोर्ट माना जाता है। दूसरा हमारा होता है उच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय क्या होता है, तो जिसको हम लोग हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं उसी को हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है। अगला हमारा आता है जिला न्यायालय, तो जो डिस्ट्रिक्ट में होता है उसको कहते हैं हम लोग जिला न्यायालय। और लास्ट में हमारा आता है तहसील, ठीक है। तहसील, अब आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि तहसील क्या होता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर कोई ये आपसे पूछे कि हमारे देश में कौन से शासन चलते हैं, तो बताइएगा संघात्मक शासन चलते हैं।
आपको ये पूछे कि कैसे आप कर सकते हैं कि संघात्मक शासन है, तो कहिएगा कि यहाँ पे जो शासन है दो तरह से होती है, एक क्रिया होती है जो कि केंद्र में होती है और एक वो होती है जो कि राज्य में होती है। इनमें भी कह सकते हैं कि तीन सूचियां आती हैं, एक हमारा आता है कैबिनेट सूची, एक आता है राज्य सूची और एक आता है समवर्ती सूची। अब देखिए इन तीनों में होता क्या है, तो सबसे बात पहला करते हैं हम लोग कैबिनेट सूची के बारे में। तो जो केंद्रीय सरकार जिस पे बिल पास करे या फिर कोई फैसला ले तो उसको कह देते हैं हम लोग केंद्र सूची, ठीक है। दूसरा हमारा आता है राज्य सूची, तो जो राज्य में होता है कानून बनता है, जिसपे कानून बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं राज्य सूची। लास्ट वाला हमारा आता है समवर्ती सूची, जिसमें कि केंद्रीय हस्तक्षेप होती है और राज्य दोनों के मिलान से अगर होता है तो उसको कहते हैं समवर्ती सूची, इसमें दोनों आएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि हम लोग तहसील के बारे में अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।